हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। श्री यादव देवी मंदिर गोदन का समाज के तगाराम वगैरह द्वारा हिसाब नहीं देने और हिसाब मांगने पर पुलिस थाना आहोर से मिलावट कर धमकाने को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा को ज्ञापन सौंपा और बताया कि समस्त पूर्विया प्रजापत समाज पांच पट्टी की कुल देवी श्री यादव देवी का मंदिर ग्राम गोदन में बना हुआ है। वहां पर समाज का प्रतिवर्ष एक वार्षिक सम्मेलन स्नेह मिलन रखा जाता है। वहां पर समाज के सामने पूर्ण पूरे वर्ष का लेखा जोखा रख रखाव और मंदिर खर्च का हिसाब समाज के सामने किया जाता है। लेकिन पिछले वर्ष जब समाज स्नेह मिलन में इकट्ठा हुआ तब समाज वालों ने हिसाब की बात की तो उक्त सभी जनों ने कहा कि आज हिसाब हमारे पास लिखा हुआ नहीं है, आगामी समय में हिसाब कर देंगे। उसके बाद समाज के लोग हमेशा इनको कहते रहते कि आप समाज का हिसाब दो, तो यह लोग हमेशा टालम टोलम करते रहे। उसके बाद इस वर्ष दिनांक 11 सितंबर को मंदिर में स्नेह मिलन समारोह रखा गया, जहां पर समाज द्वारा मंदिर रख रखाव लेखा जोखा का हिसाब मांगा और भंडारा खोलने की बात कही तो उन्होंने कहा कि दीपावली के बाद खोलेंगे, भंडारा और हिसाब भी उसी दिन करेंगे। फिर दिनांक 12 सितंबर को समाज के आए लोग बिखर गए, जिसके बाद वे लोग वहां पर ही थे। उन्होंने दिनांक 13 सितंबर को उन्होंने किसी मिस्त्री को बुलवा कर भंडारा के लॉक तुड़वा कर भंडारे से नकदी रुपए निकाल दिए। तब समाज के लोगों ने इस बारे में जानकारी मिली तो उन्हें फोन पर कहा कि आप लोगों ने पूरे समाज को रवाना करके भंडारा क्यों तोड़ा तथा पिछले 2 साल से हिसाब भी नहीं दे रहे। तब उन्होंने एक फर्जी रिपोर्ट पुलिस थाना आहोर को देकर समाज के लोगों पर झूठा मुकदमा कर पुलिस द्वारा दबाव दिलाकर मंदिर के लाखों रुपए ऐटकर अमानत में खयानत की है तथा हिसाब भी नहीं दे रहे हैं। अतः पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा से निवेदन है कि पुलिस थाना आहोर को रिपोर्ट भेजकर पूर्व में दी गई रिपोर्ट में निष्पक्ष जांच किसी ईमानदार उच्च अधिकारी से करवाएं। इस दौरान काफी संख्या में प्रजापत समाज के लोग मौजूद थे। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।